सो व्हाट इज अप गाइस, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं लीनिंग की तरफ से आने वाली लीनिंग जी फोर सुपर लाइट मैक्स 9 बैडमिंटन रैकेट का, जो फिलहाल मेरे हाथ में मौजूद है। तो इस रैकेट का हम रिव्यू करेंगे, जानेंगे इस रैकेट के बारे में। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सो माय नेम इज लोकेश एंड यू आर वॉचिंग शटल स्ट्रोक। तो चलिए दोस्तों जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बताना चाहूंगा, अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया होगा तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। आईडी आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी या डिस्क्रिप्शन में टॉप पर आपको लिंक इंस्टाग्राम का मिल जाएगा, आप मुझे वहां पे फॉलो कर सकते हैं। एंड आपका बैडमिंटन से रिलेटेड कोई भी सवाल मुझे इंस्टाग्राम पर आप पूछ सकते हैं, तो इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलना, लिंक आपको इंस्टाग्राम के नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। तो बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। तो ये है लीनिंग की जी फोर सुपर लाइट मैक्स 9 बैडमिंटन रैकेट। तो जान लेते हैं सबसे पहले इस रैकेट के स्पेसिफिकेशन, एंड देन हम बात करेंगे मेरे ओपिनियन के बारे में कि मुझे ये रैकेट कैसा लगी। तो मुझे ये रैकेट 8-10 दिन पहले ही डिलीवर्ड हो चुकी थी, तो मैं 8-10 दिन से इस रैकेट की टेस्टिंग कर रहा था। तो बहुत अच्छे से अच्छी बातें हैं इस रैकेट के बारे में जो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। तो पहले जान लेते हैं इस रैकेट की स्पेसिफिकेशन। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वेट की। तो ये रैकेट का वेट आपको 80 ग्राम के आसपास मिलता है, मतलब जब आप इस रैकेट पर ग्रिप लगवाएंगे एंड गट्स लगवाएंगे तो ये रैकेट 85 से लेकर 87 ग्राम्स के आसपास आपको देखने के लिए मिल जाती है। अगर हम शाफ्ट की बात करें तो फ्लेक्सिबल शाफ्ट आपको इस रैकेट पर मिलता है, तो आपके शॉट्स पर एक्स्ट्रा पावर ऐड करता है। हेडशिप की बात करें तो आपको ये रैकेट आइसोमेट्रिक हेडशिप के साथ मिलते हैं, उससे आपको अच्छा परफेक्शन इस रैकेट पर मिलता है। रैकेट की बैलेंस की बात करें तो ये रैकेट आपको हेड हेवी देखने के लिए मिल जाती है, जो आपके शॉट्स पर एक्स्ट्रा पावर ऐड करती है, एक्स्ट्रा पंच ऐड करती है। जो हेड हेवी रैकेट्स होती है वो अटैकिंग के लिए बहुत ही अच्छी होती है इन कंपैरिजन टू डिफेंसिव। तो हेड हेवी रैकेट ज़्यादातर अटैकिंग के लिए बहुत ही अच्छी होती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप सिंगल्स प्लेयर हैं एंड अटैकिंग आपको पसंद है तो सुपर लाइट मैक्स आपके लिए परफेक्ट चॉइस हो सकती है। मैक्स स्ट्रिंग टेंशन की बात करें तो आप इस रैकेट पर मैक्सिमम स्ट्रिंग टेंशन 30 LBS तक लगवा सकते हैं, जो बहुत ही एक टाइट स्ट्रिंग टेंशन होता है। तो अगर आप 30 लगवाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा परफेक्शन इस रैकेट पर मिल सकता है। अगर हम मटेरियल की बात करें तो ये रैकेट कार्बन फाइबर से बनाई जाती है, तो ज़्यादातर लीनिंग की रैकेट्स कार्बन फाइबर मटेरियल से ही बनाई जाती है। अगर हम लुक वाइज इस रैकेट की बात करें तो इस रैकेट का लुक मुझे पर्सनली बहुत ही पसंद आया। जो लीनिंग के जो ग्राफिक्स होते हैं वो मुझे पर्सनली बहुत ही पसंद है। आपको मैट फिनिश में देखने के लिए मिल जाती है, जो मैट कलर होता है उसके फिनिश में आपको रैकेट मिलती है। कहीं कहीं इस रैकेट में गोल्डन कलर एंड रेड कलर का यूज किया गया है, जो दिखने में बहुत ही अपीलिंग दिखता है। तो दिखने में ये रैकेट बहुत ही सिंपल एंड प्रोफेशनल दिखती है। तो अभी बात कर लेते हैं मेरे ओपिनियन के बारे में। तो मैं कम से कम इस रैकेट पर 8 से 10 दिन तक खेला एंड मेरा ओपिनियन इस रैकेट में बहुत ही अच्छा है। मुझे ये रैकेट बहुत ही पसंद आई। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप अटैकिंग के लिए 2000 के आसपास रैकेट देख रहे हैं, सिंगल्स के लिए अच्छी रैकेट देख रहे हैं, तो आप इस रैकेट के साथ जा सकते हैं। इस रैकेट में जो आपको बैलेंस मिलता है वो हेड हेवी देखने के लिए मिल जाता है। हेड हेवी से आपको एक्स्ट्रा पावर आपके अटैक्स में रैकेट ऐड करती है। ऊपर से इस रैकेट में फ्लेक्सिबल शाफ्ट भी मिलता है, वो भी थोड़ी सी पावर आपके शॉट्स पर ऐड करता है। तो हेड हेवी एंड फ्लेक्सिबल शाफ्ट बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन हो जाता है अटैकिंग प्लेइंग स्टाइल के लिए। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सिंगल्स के लिए अगर आप रैकेट ढूंढ रहे हैं 2000 के आसपास, तो ये रैकेट आपके लिए बेस्ट है। तो इसकी प्राइस रेंज की बात करें तो ये रैकेट आपको 2000 के आसपास ही मिलती है। नीचे इस रैकेट का बाइंग लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। इस रैकेट में आपको आइसोमेट्रिक हेडशेप देखने के लिए मिल जाता है, उससे आपको इस रैकेट में बहुत ही अच्छा परफेक्शन देखने के लिए मिल जाता है। आइसोमेट्रिक हेडशेप होने के कारण इस रैकेट में जो स्वेट स्पॉट होते हैं वो बढ़ जाते हैं। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि स्वेट स्पॉट क्या होता है, अगर आपको स्वेट स्पॉट नहीं पता तो आप पिछली वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने आपको डिटेल में स्वेट स्पॉट के बारे में बताया है। तो इस रैकेट में बहुत ही बड़ा स्वेट स्पॉट आपको मिल जाता है, उससे आपके और शॉट्स बहुत ही परफेक्शन के साथ जाते हैं। जहां आप प्लेस करते हैं शटल को, शटल बहुत ही एक्यूरेसी के साथ जाता है। अगर मुझे कोई अभी पूछेगा कि बेस्ट बैडमिंटन रैकेट अंडर 2000 कौन सी है, तो मैं उसे जिगलर नहीं सजेस्ट करूंगा, मैं उसे सुपर लाइट मैक्स ही सजेस्ट करूंगा, क्योंकि ये रैकेट जिगलर से भी बहुत ही अच्छी है।
जिगलर भी अच्छी है पर इसका फील अलग ही है। जितने आप इस रैकेट के लिए पे कर रहे हो पूरे के पूरे पैसे वर्थ है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप 2000 के आसपास आपका बजट है रैकेट लेने के लिए, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सुपर लाइट मैक्स के साथ ही जाइए। ये रैकेट सबसे बेस्ट है। जो भी बात है मैंने इस वीडियो में आपको बताई वो मेरा पर्सनल ओपिनियन था। दूसरे लोगों का ओपिनियन, दूसरे लोगों का व्यू अलग भी हो सकता है। जो मुझे लगा वो मैंने आपको इस वीडियो में बताया। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और दबा दीजिए बेल आइकन को, उससे आपको नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। आपने अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया होगा तो फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। एंड हाँ, आपने अभी तक Air Force 79 G2 का रिव्यू नहीं देखा होगा तो राइट वाली वीडियो जरूर देखिए। और आपने अगर Ignite 7 बैडमिंटन रैकेट का रिव्यू नहीं देखा होगा तो लेफ्ट वाली वीडियो देख लीजिए। दोनों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। तो ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।